हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनोज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के वीडियो उन सभी लोगों के लिए है, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूट्यूब के बारे में कि आखिर यूट्यूब क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया। तो ये सारी चीज़ें तो आपके दिमाग में चलते होंगे और आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए होंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर यूट्यूब कैसे बना। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि आज मैं आपको जो क्वेश्चंस के आंसर दूंगा वो स्टोरी के फॉर्म में दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे अचानक तीन लड़के जिन्हें अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। याद है आपको जब ईबे ने पेपाल को खरीद लिया था, उस समय इन तीनों की नौकरी चली गई थी। ये वही तीन हैं जो यूट्यूब के को-फाउंडर हैं, चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। मजाक मजाक में यूट्यूब बन गया और आज यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा सर्च इंजन है और वीडियो वेब पेज का दुनिया का सबसे बड़ा डिस्क्रिप्टर है। सारे मीडियास टीवी इंडस्ट्री को तहस नहस करके ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि गूगल के सीईओ का ये कहना है कि आने वाले समय में यूट्यूब टीवी से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। टीवी यूट्यूब के सामने बहुत छोटा दिखाई देगा। यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर भी आप ही हैं और कंटेंट व्यूअर भी आप ही हैं। जैसे आप टीवी पे जब वीडियोस देखते हैं तो वो बाय चांस देखते हैं, जबकि यूट्यूब पे जो वीडियोस देखते हैं वो बाय चॉइस देखते हैं। जो आपको मन होता है वही वीडियोस आप देखते हैं, इस पे आपका खुद का कंट्रोल होता है। चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम अचानक ही अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते यूट्यूब बना बैठे। तो भाई प्रॉब्लम क्या थी? समय ये लोग कुछ वीडियोस को शेयर करना चाहते थे, शायद वो बर्थडे पार्टी का हो। अब वीडियो शेयर करने का तो कोई समाधान ही नहीं था, अब भारी भारी वीडियोस कैसे शेयर करते, ईमेल से तो जाता नहीं था। तब उनके मन में आया कि ऐसे कितने सारे लोग होंगे जिनको अपने वीडियोस को शेयर करने का मन करता होगा। यहाँ से यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई। वैसे भी दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोडक्ट प्रॉफिट देख के नहीं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके बनती है। एक्चुअली ये सीधे यूट्यूब पे नहीं आए, सबसे पहले इन्होंने स्टार्टिंग में ट्यून इन हुकअप नाम की डेटिंग वेबसाइट बनाई थी। लंबे समय तक नहीं चला, फिर उसे बदल कर यूट्यूब बनाया। एक सर्वे ये कहता है कि 70% लोग एक वीडियो देखने जाते हैं यूट्यूब पे, लेकिन देख के चार आ जाते हैं। अब इस स्टोरी को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं इस स्टोरी का मेन कंक्लूजन में आ जाता हूँ। यूट्यूब अमेरिका का एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म था, जिसमें सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर ही यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर सकते थे और वीडियोस को देख सकते थे। इसे पेपाल के तीन पूर्व कर्मचारी चार्ड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था। इसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आइए और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं। तो आज के लिए बस, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।